हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे फिजिक्स के टीचिंग करते हैं। यहाँ पे हम आपको ऐसा कुछ नया सिखाते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसे कुछ नए ट्रिक्स देते हैं, यानी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। आपका जो टाइम जिसको ज्यादा टाइम लगता हो, यहाँ पे आप से याद करने से, आपको यहाँ से स्टडी करने से आपका वो जो टाइम रहेगा, वो कैलकुलेशन का हो या थ्योरेटिकल कंसेप्ट का हो, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, कम होगा। आपका टाइम उसको क्या लगेगा, कम लगेगा। जो कैलकुलेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, सिंपल ऐसी ट्रिक्स यूज करने से, वही कैलकुलेशन जो 5 मिनट का जो कैलकुलेशन होता है, वो विदिन 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है डियर स्टूडेंट। और सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट होता है, जो यूजर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उसको YouTube नोटिफिकेशन भेजता है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो कुछ आपको अगर कुछ नया सीखने को अगर चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर वीडियो में कुछ नया नया रहता है डियर स्टूडेंट। तो आज जो हम आपको ऐसी जो इम्पोर्टेंट जो ट्रिक्स समझाने वाले हैं, ऐसा इम्पोर्टेंट जो आज का जो वीडियो होगा डियर स्टूडेंट, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। आप जो है वो आप उसको कभी भी याद कर सकते हो, आप उसको खुद बना सकोगे डियर स्टूडेंट। ऐसे हम आज आपको ट्रिक्स देने वाले हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो रेशियो होते हैं, साइन थीटा हो गए, कॉस थीटा हो गए, टैन थीटा हो गए, उसके जो वैल्यू जो होते हैं, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू, वो हमें याद करना पड़ता है। वो हमें उसको बार बार हमें देखना पड़ता है, वो टेबल जो रहता है उसको हमें बार बार देखना पड़ता है। लेकिन आज जो हम ऐसी आपको ट्रिक्स देने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज से आप वो टेबल ही खुद बना सके होंगे 5 या 10 मिनट में। ओके, तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो यहां पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो ट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, जो 0 है वहां पे क्या लिखना है, अंडर रूट 0 लिखना है, अंडर रूट क्या लिखना है, 0 लिखना है, और उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो रहेगा 2, उसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा 2। उसके बाद 30 के लिए अब क्या करना है, हमारा अब क्या काम है कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर को अंडर रूटे रखना है और उसको एक एक से बढ़ाना है, और डिनोमिनेटर जो रहेगा उसको कांस्टेंट रखना है। इंपॉर्टेंट ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, 1/2। उसके बाद 45 के लिए आ जाएगा 2/2। उसके बाद 60 के लिए आ जाएगा √3/2, और 4 के और 90 के लिए आ जाएगा √4/2। बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना है आपको। अब √0/2, √0/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0, सिंपल, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब √3 यानी साइन 30 की वैल्यू, अब √1/2, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। सभी क्लासेस के लिए डियर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, क्योंकि साइन 30, साइन 40 सभी क्लासेस में है, जो मैथमेटिक्स जो है 10th हो गया, 9th हो गया, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, आप खुद ये टेबल बना सकते हो। उसके बाद √2/2 की जो वैल्यू जो आती है वो आती है 1/√2। √2/2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/√2। अब ये कैसा आया, √2/2, यानी 2 को हम कैसे लिखते हैं, देखो √2, अब 2 को हम ऐसे लिखते हैं √2 × √2, ये कैंसल, ये कैंसल, यहां पे आएगा 1/√2। √2 × √2 क्या होगा, √4 होगा, और √4 यानी क्या होता है, 2 होता है, यानी 1/√2। अब साइन 60 है तो उसको हमें ऐसा ही रखना है, √3/2,
इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, रूट थ्री बाय टू, उसके बाद अंडर रूट फोर बाय टू, अंडर रूट फोर, अभी हमने कहा है जो अंडर रूट फोर होता है वो टू होता है, दैट इज टू बाय टू, दैट इज द वन। कितना टाइम लगा डियर स्टूडेंट, यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाय रूट टू, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री बाय टू और साइन नाइनटी की वैल्यू वन, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस के लिए ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है डियर स्टूडेंट। अब कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए हमें रिवर्स ऑर्डर से आना है, यानी यहां से शुरू किया तो हम यहां से शुरू करते हैं, यानी कॉस जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, कॉस 60 की जो वैल्यू होगी इधर से यहां आना है रूट थ्री बाय टू। देखो डियर स्टूडेंट कितना ईजी है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाय रूट टू, यहां से इधर आना है, कॉस 60 की जो वैल्यू रहेगी वो होगी 1 बाय टू और कॉस 90 की जो वैल्यू रहेगी वो होगी 0। कॉस के लिए कहां से किधर आना है डियर स्टूडेंट, ये बात ध्यान में रखना है, कॉस के लिए रिवर्स आना है हमें, किधर आना है रिवर्स आना है। ओके, अब टैन का तो बहुत ही इजी है, टैन थीटा यानी क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये दोनों का रेशियो लेना है बस, 0 बाय 1 दैट इज दी 0, 1 बाय 2 अपॉन रूट थ्री बाय टू, यानी वो हो जाएगा 1 बाय रूट 3, वो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3, 1 बाय 2 इंटू रूट थ्री बाय टू करना है तो वो होगा 2 बाय रूट 3, 2 कैंसल दैट इज दी 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। अब 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 ये हो जाएगा 1, रूट थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 ये होता है रूट थ्री होगा, ये क्या होगा रूट थ्री होगा और 1 अपॉन 0, जैसा 0 बाय 1 0 होता है वैसे 1 अपॉन 0 0 नहीं होता है डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन 0 दैट इज द इंफिनिटी, ध्यान में रखना है ये दो वैल्यूज, 0 बाय 1 दैट इज 0 बट 1 अपॉन 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज द इंफिनिटी, यानी टैन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इंफिनिटी। कितना टाइम लगा डियर स्टूडेंट, ये आपको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, याद करने के लिए आप इसको खुद बना सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये अगर आपको वैल्यू अगर याद अगर है तो आप कौन सी भी वैल्यू, साइन 120 हो गया, साइन कॉस 120 हो गया, कॉस 19 हो गया, सॉरी टैन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कौन सी भी वैल्यू आप ये टेबल से बना सकते हो, उसकी भी हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देंगे अगले इसमें। और ये जो वीडियो जो है डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, इसको आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है ये ट्रिक समझने को होना, इसलिए आपके जो भाई बहन है उसको भी ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ये इजीली ऐसे अंडरस्टैंड कर, याद करने की जरूरत नहीं, आप खुद इसको बना सकते हो डियर स्टूडेंट, बार बार देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जो वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमने पहले आपको कहा है चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या है, नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब आपको भेजता है और आपको पता चलेगा कि हमने वीडियो अपलोड किया, वैसे हम डेली अपलोड करते हैं, हमारा जो अपलोडिंग का जो टाइम होता है वो होता है 7 PM से 8 PM के बीच में हम वीडियो अपलोड करते हैं, कहीं कहीं ज्यादा देर होती है लेकिन जनरली जो होता है वो 7 PM से 8 PM के बीच में हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप चेक कर सकते हो, जिसने सब्सक्राइब किया उसको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो सभी क्लासेस के लिए, और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो जो होते हैं वो कमेंट्स, आपका अगर कमेंट्स अगर आया तो हमें भी अच्छा लगता है, चलो हम जो मेहनत ले रहे हैं स्टूडेंट के लिए वो मेहनत हमारे सही दिशा से जा रही है ऐसा हमें लगता है डियर स्टूडेंट, तो कमेंट्स कीजिए, कोई कोई कमेंट्स करने में डरता है, किसी किसी को कमेंट्स करने यानी आते होंगे वो भी हो सकता है, लेकिन आप लाइक कर सकते हो डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।